हेलो दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर में। से दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बजट गेमिंग पीसी। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं इसके अंदर जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो हमने सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये जो पीसी है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होगी। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर ने उन्होंने ये पीसी बिल्ड करवाया स्पेशली गेमिंग के लिए। उनका बजट कम था, उन्हें एक रिसेंट सा सीपीयू चाहिए था गेमिंग के लिए, ज़्यादा कोई बजट नहीं था उनका। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स फीचर्स हम देखेंगे और प्राइस भी हम जानेंगे, और इसके बाद फिर हम इस पीसी को असेंबल भी करेंगे। असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके भी हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बिल्ड में जो हमने प्रोसेसर इस्तेमाल किया है वो एमडी राइजन की तरफ से आने वाला 3500। तो दोस्तों एक 6 कोर का 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर रहता है, जिसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.60 गीगाहर्ट्ज़ रहती है, एंड जो अप टू फ्रिक्वेंसी है वो 4.10 गीगाहर्ट्ज़ रहती है, एंड जो उसकी कैशे मेमोरी है वो 16 MB रहती है। तो बहुत बढ़िया एक बजट गेमिंग प्रोसेसर आता है एमडी की तरफ से। अगर आप कोई बजट गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेसर बहुत बढ़िया रहता है, आसानी से आपकी ये वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करा देता है। तो दोस्तों प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो है 11,000 रुपये, 11,000 रुपीज़ में प्रोसेसर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH। तो दोस्तों यहाँ पे हमने A320 का एक चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन आप चाहें तो B450 वाला मदरबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का बजट ज़्यादा नहीं था तो हमने ये वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल कर दिया है। तो दोस्तों इस बोर्ड की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपीज़, 4,000 में ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए वो है क्रिस्टल की तरफ से आने वाली हाइपर एक्स फ्यूरी 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि है 3200 MHz की, 3200 MHz की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3000 MHz की रैम भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन 3000 MHz की रैम और जो 3200 MHz की रैम है उनके प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 100 या 200 रुपये का डिफरेंस था, तो हमने 3200 MHz की रैम इस बिल्ड में इस्तेमाल कर दी है। तो दोस्तों ये सिंगल स्टिक की जो कॉस्ट है 8 GB की वो है 4,000 रुपये, 4000 में सिंगल स्टिक 8 GB रैम आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो WD की तरफ से आने वाली 120 GB की M2 ये वाली SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आप सिस्टम बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल ज़रूर करें। SSD का इस्तेमाल करने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, हमारे सिस्टम में स्पीड बढ़ जाती है, स्ट्रीमिंग में और गेमिंग में हमें काफ़ी स्पीड मिलती है। तो दोस्तों ये जो SSD की कॉस्ट है वो 2,500 रुपये, 2,500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है सीगेट की तरफ से आने वाली बर्कुडा 7200 RPM की 1000 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है जब भी आप कोई हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क आप इस्तेमाल करें। हार्ड डिस्क में 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आती है जो थोड़ी सस्ती रहती है, 300-400 रुपये उसका रेट कम रहता है, लेकिन उनकी स्पीड कम रहती है। तो दोस्तों हमेशा आप जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं पीसी बनाते हैं तो हमेशा 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी की ब्रांड की भी आप लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की, इसकी जो कॉस्ट है वो है 3200 रुपये, 3200 में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला 450 वॉट का, ये वाला हमने SMPS इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बजट SMPS रहता है। तो दोस्तों ये जो SMPS है इसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, 2,500 में SMPS आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला K380, जो कि एक बहुत बढ़िया कैबिनेट रहता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है और इसमें जो एयर इनटेक के लिए आगे से हवा जाने की जगह है वो ज़्यादा रहती है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस कैबिनेट में आती है। तो दोस्तों इस कैबिनेट की जो कॉस्ट है वो है 3,500, 3,500 में ये कैबिनेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला 1650 सुपर 4 GB DDR मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा इस बिल्ड के लिए। तो दोस्तों इस ग्राफिक्स कार्ड की जो कॉस्ट है वो है 14,000 रुपीज़, 14,000 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स फीचर्स हमने देख लिए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम पीसी को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद हम देखेंगे ये कैसा दिख रहा है, हम इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कुछ गेम प्ले करके इस पे। तो आइए दोस्तों
There it is again. Our welcome message. Stoner. Kolaborasi dengan Flanky Team atau? Or what? I'll give you that. Okay! Haven't you ever heard? The best offense is a good defense.
got something for you. Next is the smithy. It's this way. Out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit! Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. Yep. Why are you going so slow? So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and... I know it sounds silly. Pilar, you promised her. Abigail is too busy for this wild goose chase. Miserable. And hungry. Oh. And red.
Man. Watch your step. I'm gonna show greatness. See the empty ship? Mm-hmm. No one knows how to go. Great deal. Hey, we have got the deal of a lifetime for you. Witcher. I do, resume securing the container once the threat is neutralized. Here they come, Jess. Bring them on, sis. Whoa, that was so fucking close. तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, हमने स्पीशियो का असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने जो कैबिनेट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो हमने एक सिंपल सा कैबिनेट इस्तेमाल किया है जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस पर गेम प्ले करके देख लिए हैं, हमने इस पीसी के FPS भी गेम के अंदर चेक कर लिए। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक पीसी बना है इस बजट के अंदर, आसानी से आपकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा दे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बनाने का भी प्लान कर रहे हैं जिसके लिए आपका बजट है 47 से 48 के समथिंग, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, आसानी से आपकी गेमिंग वीडियो एडिटिंग इसमें हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो हमने कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इनिशियल कॉस्ट क्या है और जो टोटल सीपीयू की कॉस्ट है वो कितनी है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 11,000 रुपये, 11,000 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। जो बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये में आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी सिंगल स्टिक की 8GB की कॉस्ट है 4,000 रुपीज़, 4,000 में सिंगल स्टिक की 8GB की रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये में आपको ये SSD मिल जाएगी। और जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,200 रुपीज़, 3,200 रुपये में आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में आपको कैबिनेट मिल जाएगा। और जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़ में आपको ये SMPS मिल जाएगा। और जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है उसकी कॉस्ट है 14,000 में आपको ये ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों 47,000 रुपीज़ में 47,000 रुपये में पूरा ये CPU बनके कंप्लीट हुआ है जो कि बहुत बढ़िया है इस बजट के अंदर। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही शानदार होगी, बहुत आसानी से इस पर वीडियो एडिटिंग गेमिंग होगी। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग का पीसी या किसी भी तरह का आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।